पाकिस्तान की आखिरी डिफेंस लाइन है, इसके बाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की ज़ीरो लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, सहरा में इस तरह से ज़मीन कल्टीवेट की जा रही है और जो बंजर ज़मीन है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको काश्त के काबिल बनाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है, तो सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस सोलर पैनल से ट्यूबवेल चलाए जाते हैं और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो काश्त के काबिल बना ली गई है। जो ज़मीन है उधर से मिट्टी हटाकर ज़मीन को प्लेन किया जा रहा है। हाँ जी, इसका क्या करेंगे जी? इन्हें ज़िब्बा करेंगे, दावत खिलाएंगे हमें। हाँ जी, वेरी गुड। देसी मुर्ग हैं जी? हाँ, देसी। चलो, ये असील है? हाँ जी, गुड। ये है जी देसी खुराक यहाँ की, सहरा की। ये जी यहाँ सहरा का मकामी देसी मुर्ग है और बहुत अच्छा बना हुआ है। ये बताएं कि ये जो ऊंची जगह आपने किस लिए बनाई है? ये सोने के लिए। अच्छा, तो ये सहन से ऊंची आप क्यों बनाते हैं? ये तले जहरीली चीज़ कोई असर न कर सके। ये बिजली मौजूद नहीं है इसलिए ये सोलर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, ये इनका कच्ची मिट्टी का कमरा, कच्ची मिट्टी का कमरा है। और ये देखें जी, इन्होंने ऊपर कच्ची मिट्टी का लेप करके घास के ऊपर तो छत बनाई हुई है। और इस तरह से ये जो है दरवाज़ा, खजूर की ये जो लकड़ी है इसका इन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ है। इसको ये बंद कर देते हैं इस तरह से ताकि जानवर जो हैं वो अंदर ना घुस सकें। और इसी तरह फिर इसको,
ये घंटी है जो जानवरों के गले में बांधी जाती है, तो जो गाय वगैरह होती है उनका एक टीम लीडर होता है, उसके गले में ये घंटी बांध देते हैं और फिर जो बाकी गाय है वो उसके पीछे चलती हैं। और ये इन्होंने एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है सोलर पे, तो ये मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, एक छोटी लाइट चलाने के लिए इन्होंने ये देखें बैटरी की मदद से सोलर सिस्टम के ऊपर ये थोड़ा सा सिस्टम बनाया हुआ है। तो बाकी इनका जो है ऊपर जो छत है इनकी, वो भी सहराई घास और सहराई लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ये देखें ये जो फ्रंट है ये सारा आगे सहरा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप सहरा देख सकते हैं। और ये इनका किचन एरिया है जहाँ पर खाना बनाते हैं। तंदूर में रोटियां बनाते हैं और इसी तरह दूध बॉयल हो रहा है। और ये इन्होंने बर्तन रखने के लिए जगह बनाई हुई है। ये बिल्कुल सादा लोग हैं यहाँ पर और इनका रहन सहन भी सादा है। इसी तरह से ये वॉशरूम बनाया है सामने इन्होंने, और यहाँ पर कुछ चार पहियाँ एक दरख्त के नीचे रखी हुई हैं। यहाँ पर दोपहर को जब सख्त धूप होती है तो यहाँ पर ये अपना आराम फरमाते हैं। और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये खजूर के पत्तों से चारपाई के लिए ये वान तैयार हो रहा है। ये देखें जैसे ये चारपाई जो है ये भी इसी तरह बनी हुई है, ये भी चारपाई जो है ये इसी खजूर के पत्तों से बनाई गई है। ये इसी तरह एक और घर है जिसके अंदर हम आए हैं। ये इन्होंने इस तरह से ऊंची जगह बनाई हुई है सोने के लिए, ताकि जो है ज़मीन से ये जगह थोड़ी ऊंची होती है ताकि ख़तरनाक जानवरों से महफूज रहा जा सके। ये भी इसी तरह बिल्कुल जो है इनका सिंपल लिविंग स्टाइल है, तो बिल्कुल कच्चे इनके घर हैं यहाँ पर। तो लेकिन ये लोग बड़े अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और ये लोगों की परमानेंट रहायशें हैं रोशनी और हवा के लिए सुराख बनाए गए हैं। दिल करता कि आपका भी स्कूल हो। आप दोस्तों सहरा में पानी लेके जाने के लिए ये बोतल इस्तेमाल होती है। अगर आपने सहरा में सफ़र करना हो तो इस तरह की बोतल जो है इसमें पानी कैरी किया जाता है, इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। अभी गाय की बीमारी है या चली गई है सारी? अभी चली गई।
अच्छा अभी आपकी गायें ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। कितना आपका नुकसान हुआ जब गाय की बीमारी आई थी? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, चंद नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं है। टीके वगैरह इंतज़ाम हो गया था। अच्छा, माल बच गया, थोड़ा नुकसान है, ज़्यादा नहीं है। बीमारी हमला कर जाए तो फिर शदीद नुकसान, बीमारी हमला करें तो पहले चंद रोज़ पता लग जाए तो बीमारी कंट्रोल में आ जाती। ये जी इस बस्ती के साथ ये टोबा लगता है जहाँ पर यहाँ के जो जानवर है वो पानी पीते हैं, और यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है ताकि मुसाफिर यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। आपको दिखाते हैं, ये देखें जी इसी पानी के अंदर मेंढक भी हैं और यहाँ से मकामी लोग जो है पानी पीते हैं। ये होगी खुली अब? ये खूबसूरती के लिए आप चढ़ा रहे हो इसे? ये देखें नाजरीन, ये सारा डेजर्ट है। ये देखें ये सारा डेजर्ट है। ये देखें जनाब। हाँ जी भाई साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? हम डेजर्ट देख रहे हैं जी। डेजर्ट देखने आए हैं? जी जी। तो कैसा लग रहा है डेजर्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कैसी प्यारी ले रहे हैं मिट्टी की, कैसी एक कुदरती तरतीब है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही है इसमें। पहली दफ़ा आए? जी पहली दफ़ा आए। और प्यास की क्या सूरत हाल है? प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, गर्मी है। चलें, अल्लाह पाक बेहतर फरमाए, आमीन। ये देखें जी सारा डेजर्ट है और दूर दूर तक आपको आबादी का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान की आखिरी डिफेंस लाइन है, इसके बाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की ज़ीरो लाइन स्टार्ट हो जाती है।